हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन को में पोकेस्टॉप सबमिशन के बारे में। तो पोकेस्टॉप सबमिशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो सबको जिसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस मेरे वीडियो को एकदम लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको गूगल क्रोम खोल के दिखाता हूँ। इसमें मैं सर्च करूँगा पोकेमोन गो, और ये मैंने सर्च कर दिया पोकेमोन गो। लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा आ गया, सिंपल करके सर्च करता हूँ और ये आ गया। फिर मैं जाऊँगा इसमें, देखिए बहुत सारे कुछ नए नए न्यूज़ के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। पहले जाएंगे इसको वेबसाइट पे, और ये हम पहुंचने ही वाले हैं। किधर गया इसका नाइंटिक लेवल वेबसाइट, हेयर पोकेमोन को सपोर्ट वाले वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर आपको सारे पोकेमोन को से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे, कुछ भी जानना है सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो इसमें दो नया चीज़ आए हैं, पोकेस्टॉप नॉमिनेशन। क्या पोकेस्टॉप नॉमिनेशन? ओ माई गॉड, पोकेस्टॉप नॉमिनेशन मतलब पोकेस्टॉप सबमिशन आ गया है पोकेमोन गो में। आया नहीं, आने वाला है, उसके बारे में आज देखते हैं। तो व्हाट्स मेक अ हाई क्वालिटी पोकेस्टॉप, तो पहले वो देखूं या फिर सबमिटिंग अ पोकेस्टॉप नॉमिनेशन। चलो पहले सबमिटिंग अ पोकेस्टॉप नॉमिनेशन के बारे में देखते हैं। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले ज़रूरत है पोकेस्टॉप सबमिशन के बारे में जानने के लिए, इसलिए उससे पहले देखते हैं। तो ये रहा वेबसाइट, इसमें क्या लिखा है, द फीचर इज करेंटली इन बेटा। तो ये अभी बेटा वर्जन में है, मतलब कुछ ही देश के कुछ ही गिने चुने हाई लेवल पोकेमोन गो ट्रेनर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी नहीं है, आएगा लगभग 2019 के जनवरी तक हम लोग को मिल जाएगा शायद, क्योंकि ये नाइंटिक कंपनी बना रही है इसलिए लेट होगा ही। तो अभी देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। ट्रेनर कैन हेल्प ग्रो द नंबर ऑफ पोकेस्टॉप्स इन द एरिया, मतलब हमारे एरिया में पोकेस्टॉप जिम बना सकता है। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मैं एकदम शॉर्ट करके बता रहा हूँ। By nominating a new Pokestop, you are helping other trainers get out and explore the community around them. मतलब दूसरों की मदद करना है। This feature is not available for user with child account, मतलब जो बहुत ही कम लेवल के लेवल 10-20 वो लोग यूज नहीं कर सकते, समझ गए। What's make a high quality Pokestop nomination? A location with a cool story, a place in history or educational value, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिससे जो थोड़ा प्राचीन हो, कुछ अलग हो, कोई मूर्ति या कोई जिसको एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे कोई लाइब्रेरी या कोई स्कूल का कोई फ़ोटो, वैसे कोई चीज़। हाई क्वालिटी पिक्चर होना चाहिए, और फिर उसमें हिडन जेम और हाइपर लोकल स्पॉट, मतलब कुछ भी डिफरेंट अलग जैसा चीज़ जो लोगों को पसंद है, जहाँ लोग ज़्यादातर जाते हो, वैसे वाला चीज़ को आप पोकेस्टॉप के लिए सबमिट कर सकते हैं फ़ोटो खींच के। दिस कैटेगरीज आर नॉट कंसिडर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पोकेस्टॉप। प्लेस विदाउट सेफ प्रीडिस्टेंट एक्सेस, ऑल पोकेस्टॉप नॉमिनेशन मस्ट हैव एक्सेस, अदरवाइज दे विल बी रिजेक्ट रिगार्डलेस द क्वालिटी ऑफ पोकेस्टॉप। मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ हर कोई जा सके, वैसे जगह कोई आप नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई ऐसा जगह जैसे कोई मतलब समुद्र के बीचों बीच, वहाँ कोई जा नहीं सकता, उसे हम जगह को आप पोकेस्टॉप के लिए सबमिट करेंगे तो कोई वैसे भी 90 वाले उसे अप्रूव करने वाले हैं नहीं। तो आपको कोई अच्छा जगह जहाँ मतलब ज़्यादातर लोग जाते हैं, जैसे कोई पार्क, कोई लाइब्रेरी या फिर कोई भी ऐसा मतलब प्राचीन मंदिर जैसा कोई जगह कह सकते हैं, वो सब जगह में पोकेस्टॉप सबमिट कर सकते हैं। तो पोकेस्टॉप सबमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सबमिटिंग का पोकेस्टॉप नॉमिनेशन, सेटिंग्स में गए, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा प्लेयर नॉमिनेशन, जहाँ पर लिखा है न्यू पोकेस्टॉप, उसमें आपको एक बार प्रेस करना होगा। आप मतलब क्या लिखा है, न्यू नॉमिनेशन में बी अवेलेबल इन वन डे, मतलब एक दिन में 5 नॉमिनेशन कर सकते हैं, एक दिन में 5 पोकेस्टॉप बना सकते हैं। वैसे वो इतना जल्दी बनने वाला है नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब पहले सेटिंग्स में जाना है, फिर उस न्यू पोकेस्टॉप वाले में टैप करना है, फिर उस जगह का एक फ़ोटो भी लेना है आपको, और उस जगह का लोकेशन को आपको सेलेक्ट कर देना है, कौन सी जगह में एक्चुअली कौन सी जगह फ़ोटो है, फिर उसे सेंड दबा देना है। एक अच्छा फ़ोटो लेना है एकदम अच्छे कैमरा के साथ, ताकि कुछ दूसरे को समझ में आए आखिर वो जगह है कौन सा। कोई डार्क मतलब धुंधला फ़ोटो नहीं होना चाहिए, लो क्वालिटी फ़ोटो, ताकि लोग फिर नॉमिनेशन को सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। जिसे थोड़ा HD क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए,
इसके लिए आप चाहे तो ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होते हैं, उससे अच्छा फ़ोटो आएगा। और आपको टेक अनदर फोटो फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सराउंडिंग एरिया, मतलब उस जगह के बारे में लिखने के लिए और एक फ़ोटो ले लीजिए, और उस जगह के बारे में आपको एकदम अच्छे से टाइटल देना है, जिससे किसी मूर्ति का फ़ोटो लिया तो उस मूर्ति के बारे में लिख दीजिए कि ये प्राचीन द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ दिस प्लेस, या फिर कुछ भी मतलब यूनिक नाम दे दीजिए उसके बारे में लिख दीजिए, यहाँ लोग आते हैं, या फिर मतलब ये आदमी का मूर्ति यहाँ क्यों है, ये कौन था, कुछ भी थोड़ा बड़ा चढ़ा के खतरनाक चीज़ लिख दीजिए, ताकि थोड़ा लोग अट्रैक्ट हो उसके बारे में जाने के लिए। डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग इन द टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन, आपको मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं देना है, किसी भी पेज का लिंक, अपना ईमेल लिंक, कोई भी लिंक नहीं देना है, कुछ भी HTML या URL नहीं देना है। रिफरेंस टू निकनेम और गेम स्पेसिफिक टर्म्स सच एज रेड और पोकेस्टॉप, मतलब पोकेस्टॉप या रेड बैटल जैसे टीम मिस्टिक, उसे कुछ भी मतलब नाम नहीं देना है गेम से रिलेटेड, असली जगह का असली नाम देना होगा आपको। फिर आपको कंफर्म करना, एक बार देख लीजिए सब कुछ सही है, फिर कंफर्म कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सो व्हाई योर नॉमिनेशन इज इम्पोर्टेंट, द फाइनल स्टेप हेल्प्स गिव्स द नॉमिनेशन रिव्यू सम मोर कॉन्टेक्स्ट एज व्हाई योर नॉमिनेशन शुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल। हियर यू कैन स्पेसिफाई व्हाट मेक योर नॉमिनेशन हाई क्वालिटी पोकेस्टॉप कैंडिडेट, तो उसमें आपको एक चीज़ लिखना होगा कि क्यों आप ये पोकेस्टॉप को सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं हमारे यहाँ कोई पोकेस्टॉप नहीं है, या फिर हम प्लेयर को इंकरेज करना चाहते हैं ताकि लोग बाहर खेले, कुछ बड़ा चार्ट लिख दीजिए जिससे थोड़ा बहला फुस लगे, लोग एक्सेप्ट कर ले कि ये यहाँ पोकेस्टॉप बनाने का ज़रूरत है, उस चीज़ कीजिए, फिर आपको सबमिट दबा देना है। फिर कुछ दिन बाद वहाँ रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू मतलब और भी लोग आके उस चीज़ को देखेंगे, हाँ यहाँ मतलब दूसरे लोगों को भी मैसेज आएगा कि यहाँ एक पोकेस्टॉप सबमिट के लिए एलिजिबल, मतलब किसी ने सबमिट किया है उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। अगर सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पोकेस्टॉप शायद बन जाएगा। जैसे कि आपने किसी जिम को मतलब पोकेस्टॉप को सबमिट किया किसी फ़ोटो को, तो फिर दूसरे रिव्यू करने वाले लोग देखेंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ ये जगह कुछ है, इस जगह को पोकेस्टॉप बनना चाहिए, तो वो लोग फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कॉमरेड्स पोकेस्टॉप बन गया। फिर अगर बाई चांस अगर नहीं हुआ, मतलब क्या मतलब आपको एलिजिबल मतलब अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर कुछ चिंता करने की बात नहीं, आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा रिव्यू कैसे किया जाए, उसे कुछ भी कर सकते हैं, या फिर उसके कुछ आसपास दूसरे जगह फ़ोटो खींच के फिर भेज दीजिए, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। नोट अबाउट यूजर सबमिटेड कॉन्टेंट एंड ओनरशिप, तो इस चीज़ में बताया जा रहा है कि आप जो फ़ोटो खींच के मतलब सबमिट करेंगे पोकेस्टॉप के लिए, उस फोटो का पूरा लाइसेंस NIANTIC के पास होगा, NIANTIC के पास मिल जाएगा उनको लाइसेंस, वो लोग उसके जिम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फोटो थोड़ा सोच समझ के खींचिएगा, ताकि कोई रास्ता में मतलब फ़ोटो में किसी इंसान का चेहरा नहीं आना चाहिए, हर एक फ़ोटो को एकदम प्रॉपर डिटेल के साथ खींचेगा। और उस फोटो को ये लोग क्योंकि जिम में लोकेशन में देने वाले हैं, तो दूसरे गेम्स भी उसी फ़ोटो की यूज़ करेंगे, जैसे इंग्रेस वाला गेम, तो फोटो सब कुछ सबका फ़ोटो में डिपेंड करता है। तो उसके बारे में आप सब कुछ अभी मुझे लगता है सब कुछ जान चुके हैं, यहाँ पर लिखा है पोकेमोन गो टर्म्स एंड सर्विस, यहाँ दबा के आप और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो आप दूसरे पेज में जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो अगर बैक दबाते हैं तो क्या मतलब इसमें हाई क्वालिटी पोकेस्टॉप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है सुपर मैच देखते हैं। एलिजिबल नॉमिनेशन, हाई क्वालिटी फ़ोटो, देखो ये फ़ोटो एलिजिबल है क्योंकि इस फोटो में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये प्राचीन अंग्रेजों ने बनाया था, कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा, इसीलिए ये फ़ोटो भी एलिजिबल है क्योंकि पार्क में है और एक साइन बोर्ड है जहाँ कोई भी जा सकता है। ये फ़ोटो भी एलिजिबल है, हिस्टोरिकल है, इसमें भी कुछ प्राचीन कहानी होगी, ये फ़ोटो भी एलिजिबल है। इस टाइप के फ़ोटो खींचने हैं, ये सबको आप देख सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट चीज़ दो थोड़ा अलग लगता हो वैसे फ़ोटो खींचना है। इस फोटो में ढेर सारे गिटार ऐसा है, तो इसीलिए पॉपुलर जगह होगा, इसीलिए इस फोटो में ऐसा क्या है जैसे पोकेस्टॉप बनाया गया है। ढेर सारे चेयर देख रहे हैं मुझे, ज़्यादातर लोग जाते होंगे यहाँ इसीलिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इस तरह फोटो खींचने हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं। पब्लिक पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक प्लेस, मतलब जो भी जहाँ हर कोई जा सके वो सारे फ़ोटो ही आपको खींचने होंगे। और इलिजिबल नॉमिनेशन, क्या क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग, जिससे ये फ़ोटो एकदम रोड के बीचों बीच है, तो इस फोटो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ये फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया गया है क्यों, ये तो कोई यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एक्सेप्टेबल,
ये तो कोई स्कूल का ही जगह मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर ऐसा फ़ोटो खींच के आप नहीं डाल सकते, उसीलिए इससे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया इस फ़ोटो को। इस फोटो को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये एक ऑफिस है फायर ब्रिगेड वाला, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस पेड़ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, इस शिप को, क्योंकि शिप तो हमेशा वहाँ रहने वाला है नहीं, कि मूविंग चीज़ को नहीं खींच सकते हैं। बिल्ली भी नहीं होगा क्योंकि बिल्ली भी हमेशा रहने वाला है नहीं। ये घर हो सकता था, डू नॉट ओन द कॉपीराइट, क्यों इसे इस फोटो में, मतलब इसे डाउनलोड करके इसे डाला है शायद, उसीलिए इस फोटो को इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें लिखा है कॉपीराइट 2017। इस फोटो को मतलब दूसरे डाउनलोड करे फोटो आप नहीं डाल सकते हैं। फोटो का क्वालिटी इसमें लो है, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा धुलना है, ये तो फोटो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तो इस तरह के फोटो आपको एकदम नहीं खींचने हैं। ये फोटो सच में काफ़ी परफेक्ट लग रहा है ये सारे, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ यूज़ करना जहाँ आसानी से कोई जा सके। इस तरह के धुलने फोटो भी नहीं खींचना है। ये भी थोड़ा एलिजिबल लग रहा है, तो एलिजिबल ही है। इस फोटो को एलिजिबल शायद करना चाहिए था, किसी का इंसान का फोटो नहीं ले सकते, दिस इज एलिजिबल दिस इज नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कैसे आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो इस वेबसाइट में चल जाएगा, कुछ सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कुछ भी पोकेस्टॉप से रिलेटेड मतलब आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे मतलब आपको पोकेस्टॉप को रिव्यू कर सकते हैं। पोकेस्टॉप को मतलब आप सबमिट किए तो कौन उसे रिव्यू करने वाला है, उस चीज़ को रिव्यू कोई मतलब पोकेमोन को प्लेयर नहीं करने वाला, या तो उसे रिव्यू नियांटिक की कंपनी करेगी या फिर कोई इंग्रेस प्लेयर करेगा। इंग्लिश प्लेयर मतलब आपके लोकल एरिया में कोई इंग्लिश खेलता है, वो उस जगह में आया तो उसे नोटिफिकेशन आएगा कि इस जगह पोकेस्टॉप बनने वाला है, क्या उसे एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। तो अगर वो एक्सेप्ट दाया तो शायद हो सकता है, या फिर नियांटिक की मतलब जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग रिव्यू करेंगे। और आपको पोकेस्टॉप सबमिट करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी रूल है कि लेवल 40 कम से कम होना चाहिए। तो लेवल 40 मैं शायद लेवल 30 में हूँ, तो मुझे लेवल 40 तक पहुंचना का फिर मैं पोकेस्टॉप सबमिशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अभी इंडिया के लाया नहीं है, अभी शायद ब्राज़ील और साउथ कोरिया में अभी इसका बेटा वर्जन टेस्ट हो रहा है। शायद 2019 के जनवरी तक हमारे मतलब ग्लोबली इसे लॉन्च किया जाए। तो इन सारे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी पोकेस्टॉप सबमिशन आने वाला है, तो सब लगता है नियांटिक अभी थोड़ा कुछ सुधर रहा है, धीरे धीरे बड़े बड़े अपडेट्स भी ला रहा है। तो आशा करते हैं ऐसा कुछ काम करें और जल्दी जल्दी अपडेट्स लाए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।